फाइनल गाइस रेडी हो चुके हैं और बसुरी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने जो लॉगिन करा था होटल में, 1-2 बजे लॉगिन कर दिया था होटल में। उसके बाद भाई थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा, मुंह हाथ धोया और फ्रेश होके एकदम तैयार हो गया। देखो कैसे लग रहा हूँ सामने, देखो ठीक है। और अभी यहाँ से जाएंगे भाई मसूरी एक्सप्लोर करने। मसूरी में एक्सप्लोर करेंगे 3-4 जगह, जैसे कि रहेगा कैंप्टी फॉल है और बुद्धा टेम्पल है, एक है लाल तिब्बत माउंटेन है, मतलब 3-4 जगह है वहाँ जो फेमस फेमस है, वो सारी एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी होटल आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखो होटल यार काफ़ी अच्छा होटल है, व्यू भी काफ़ी प्यारा आ रहा है होटल से ही, मतलब अपने रूम से ही। और बाकी एक नंबर जो हमें रूम है ना, काफ़ी अच्छा रूम मिल गया हमें और विद इन बजट में मिल गया भाई, बजट। और ये सारा हमारा सामान फैला पड़ा है भाई, देख रहे हो अभी चार्जिंग वार्जिंग पे लगाया था गोप्रो वगैरह। और बाहर का व्यू चेक कराता हूँ आपको, देखो ऑसम व्यू है भाई, ऑसम व्यू। देखो यहाँ खाना खाने का टेबल वगैरह रख रखी है। और यहाँ भी भाई छोटे छोटे घर देखते हैं, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना बादल, अभी ये कुछ टाइम में गायब हो जाएगा और वहाँ छोटे छोटे घर हैं। और मतलब इधर भी छोटे छोटे घर हैं, देखो वहाँ धूप आ गई है सामने। और व्यू तो भाई बहुत गजब का व्यू है, बहुत गजब का। तो अभी चलते हैं भाई मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई बात करें इस रूम की प्राइस की, तो भाई हमें 1000 रुपये में ये रूम मिल गया और गर्म पानी भी है और काफ़ी चीज़ें हैं भाई, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा ये रूम। और देखो सबसे बढ़िया इसका व्यू, इस रूम से ही व्यू भाई बहुत अच्छा आता है। और अभी चलते हैं भाई सीधे मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलते हैं, आपको मिलते हैं स्कूटी पे। तो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि है बुद्धा टेम्पल। और यहाँ पे ऐसे कुछ पार्किंग लगी हुई है, मतलब ठीक ठाक है। अभी ऊपर जाके देखते हैं कैसा व्यू आता है कैसा नहीं। देखो तो अंदर जाके वहाँ पार्किंग है, यहाँ कुछ लगा दी। और हम भाई बेताल से ही आए हैं, एक ही स्कूटी लाए हैं क्योंकि कम्फर्ट भी रहेगा, दो ले के आएंगे फिर हम दो ही जने, तो इतना कुछ होगा नहीं। ऐसा कुछ एंट्रेंस है इनका और गेट पे ही लिखा हुआ भाई तिब्बतियन टेम्पल। और देखो सही भाई काफ़ी अच्छा बना रखा है। और एक चीज़ जो देखने के लिए आए थे हम वो है, देखो व्यू चेक करो, बहुत ही अच्छा क्लाउड रखे हैं, थोड़ा इसलिए नहीं दिख रहा आपको। सो गाइस ऐसा कुछ मंदिर बना रखा है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। और जो बुद्धा जी हैं वो सामने बैठे हुए, मतलब मूर्ति बना रखी है उन्होंने अपना। यहाँ पे भाई एक ऐसा कुछ इन्होंने खुला एरिया ऐसा बना रखा है और यहाँ से भाई काफ़ी अच्छा व्यू आता है, आपको दिखाता हूँ। अभी जो भाई क्लाउड क्लाउड हो रहा है ना, क्लाउड देखो और यहाँ से व्यू चेक करो, मतलब इतनी शांति। और ऊपर से अभी धूप आ रही है ना, तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा सारा, तो काफी अच्छा लगेगा ये। आँखों से कुछ ज़्यादा सही दिख रहा कैमरे के मुकाबले, देखिए फिर से वो दिख रहा, अच्छा ये कितना अच्छा लग रहा है भाई, दूर दूर तक दिख रहा है, छोटे छोटे गांव वहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी हम जो स्टैचू है ना बुद्धा जी की, और वो ऊपर है, तो यहाँ से 10 मिनट लगेंगे हमें चलने के लिए, तो हम वहाँ पे चलते हैं ठीक है। सो गाइस चलते चलते थकान हो गई, 10 मिनट का था, 5-8 मिनट लगे लेकिन थक गए क्योंकि जल्दी जल्दी चले। और जहाँ से हम आए हैं ना वहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ, पीछे चेक करो, वर्थ इट भाई वर्थ इट, बहुत ही ऑसम व्यू भाई पीछे का। और यहाँ पे देखो फ्लैग्स लगे पड़े हैं और जो मेन स्टैचू है वो यहीं पे है, जिसके लिए हम देख के आए थे कि यहीं पे स्टैचू है। अभी चाहते हैं आपको दिखाते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना ऑसम भाई ऑसम, वर्थ इट, सारी थकान निकल जाएगी, सारी थकान निकल जाएगी एक बार ऊपर पहुँचे, थक तो गए, चढ़ाई में यही होता है, चलते वक्त नहीं थकते, चलते वक्त नहीं थकते लेकिन जब चढ़ाई होती है उसमें थक जाते हैं। देखो यहाँ पे दलाई लामा की स्टैचू भी है, आप मेन स्टैचू वो देखो दलाई लामा की। और यहाँ पे देखो स्टैचू है दलाई लामा का, आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, जो चारों तरफ से बना रखा है।
देखो और यहाँ का व्यू चेक करो, सामने भाई जाने के लिए भी है और यहाँ पे देखो स्टेज बना रखी है, सामने पहाड़ है और यहाँ वहाँ मतलब कुछ खाने वाने के लिए बना रखी है दुकानें, मैगी वगैरह, और यहाँ पे नीचे हेलीकॉप्टर भी उतरता है, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है भाई यहाँ का, वर्थ इट प्लेस है। यहाँ खिंचाते एक दो फोटो फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो गाइस फाइनली अब नीचे जा रहे हैं, थोड़ा हमने देखा था मंदिर भी वहाँ पे और यहाँ पे भी नीचे चल रहे हैं, तो ये थोड़ा पहाड़ पहाड़ है, बहुत आराम से चलना पड़ेगा, स्लिप हो सकते हैं। और यहाँ देखो दुकान बना रखी है मैगी वगैरह, और यहाँ तो वो भी है गोलगप्पे, आगे जाके बहुत ही खतरनाक। दलाई लामा ऊपर से वहाँ से आ रहे बिल्कुल ऊपर की साइड से, देन इस साइड को जा रहे थे, देखो सामने वाला जो माउंटेन है बिल्कुल पीक वाला, वो बिल्कुल गोल लग रहा है। अरे कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, गाना चल गया। अरे चलते हैं, बस एंड नहीं अभी तो है, नहीं टाइम वेस्ट है ना, अपन कौन सा किमटी फॉलो चलते हैं, बता देखे यहाँ घास पे बैठे बड़े ओपन में और जाने के लिए भाई वहाँ भी देखो पता जा रखे बिल्कुल दिख रहे ओपन पूरा ग्राउंड में मस्त। सो गाइस जस्ट बुद्ध टेम्पल से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल, जो कि है यहाँ से 15 किलोमीटर होगा, 13 किलोमीटर है और जो टाइम लगेगा वो हमें लगेगा 30 से 40 मिनट, और काफ़ी घुमा फिरा के है रास्ता यहाँ, तो सारे ही मतलब अगर एक लोकेशन से आपको दूसरी लोकेशन में जाना हो तो घूमना तो पड़ता ही है, तो कोई नहीं चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं रास्ते का। ये ग्राउंड है बगल में, अच्छा झरना है और यहाँ से पानी बह रहा है, और जो साउंड आ रही है ना वो रिलैक्सिंग वाली साउंड आ रही है, और यहाँ से बहते 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 हम ये खड़े हुए हैं और इनके नीचे से कुछ सुरंग जैसी बना रखी है और इस साइड पानी गिर रहा है, दिखाता हूँ आपको खतरनाक वाला सीन है बैठने के लिए, और शायद नीचे जा सकते हैं, नीचे तो जा सकते हैं लेकिन देखते हैं भाई कहाँ से जाएंगे, और मतलब ठीक ठाक है झरना तो काफ़ी, और जब नीचे से देखेंगे ना तो हमें लगेगा भाई कितना फ्लो है पानी का, आगे पार्किंग